Please write down an infinite, infinite number of charge, each of value q, are placed on x-axis. Okay, at point x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8, and so on. Okay, so find the potential and intensity. Find the potential and intensity at x is equal to 0. ठीक है, और सेकेंड बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वी एन ई, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ ऑल्टरनेट चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन क्लियर हुआ है? सर सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट x = 1 पे पॉजिटिव, फिर x = 2 पे नेगेटिव. हां, केस 1 पहले बनाओ फिर केस 2 में जाएंगे हम लोग. केस 1 में सपोज करो ये है x = 0, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे करके जा रहा है. तो यहां पर चार्जेस कहां कहां बैठे हुए हैं? चार्जेस 1 पे है, 2 पे है, 2 का डबल है 4, 4 का डबल है 8, फिर 8 का डबल कहां पे होगा? इधर कहीं 16 पे होगा, है ना? इस तरीके से चार्जेस हैं और सारे प्लस चार्ज हैं q, क्योंकि चार्ज का साइन मेंशन नहीं किया, इसका मतलब प्लस चार्ज. तो मुझसे पूछ रहा है कि यहां ओरिजिन पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. ये है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो. डू इट. सॉल्व करो, अगर हेल्प लगेगा तो स्क्रीन पे देख सकते हो. सर क्योंकि डिस्टेंस डबल होते जा रहा है तो हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही लेंगे ना डिस्टेंस? नहीं नहीं, इनफिनिटी तक है. यहाँ देखो बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, सो बहुत सारा, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन जाएगा. ध्यान दोगे तो 11 में हमने पढ़ा था. सो ये क्यू को कॉमन ले लो इधर, तो देखो ये एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रहा है, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो अप टू इंफिनिटी जाएगा. तो ये एक जीपी सीरीज बन जा रहा है ना, है कि नहीं? जीपी सीरीज में क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म हमेशा सेम आना चाहिए. सेकेंड टर्म हाफ है डिवाइडेड बाय 1, कितना आएगा? हाफ आएगा. 1/4 / 1/2 कितना आएगा? हाफ आएगा. सो दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी सीरीज. है ना, समझ में आया? यस सर. सो v इज इक्वल टू k q, और ये हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं 1/2 / 1/4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जा रहा है. सो मुझे पता है ना जीपी सीरीज क्या होता है, 1 प्लस क्या होता था, कैसे लिखते थे हम लोग उसे, कैसे लिखा जाता था जीपी सीरीज का फॉर्मूला?
ऐसे लिखते थे ना, वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू दिस दिस दिस, टू इंफिनिटी जाता था, तो इसका सम हम लोग कैसे निकालते थे, दैट विल बी इक्वल टू वन बाई वन माइनस आर होता था, व्हेन आर इज लेस देन इक्वल टू वन, और बेटर टू से आर इज बिटवीन माइनस वन एंड वन। तब इस फॉर्मूला को यहां हम लोग लगा सकते हैं, ये के क्यू हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा वन बाई वन माइनस आर, आर की जगह कितना है वन बाई टू, तो वन माइनस वन बाई टू, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2kq, इसको सॉल्व करके देखो 2 आएगा, तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं 2kq आया। समझ में आया क्वेश्चन? ये JEE 1997 बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली फटाफट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर हम लोग जो के लिख रहे हैं वो है वन बाई फोर पाई एफ साइलन जीरो इन एसआई यूनिट। सो सिमिलर वे हम लोग क्या कर सकते हैं, ई का वैल्यू निकालो फटाफट मुझे बताओ कितना होगा, ये कौन सा सीरीज बना, पता चला कौन सा सीरीज है ये? हेलो, कैसे पता करते हैं कोई सीरीज क्या क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करो ना, सो वन बाई फोर बाई वन कितना आ रहा है, वन बाई फोर आ रहा है, करेक्ट। उसी तरह अगर नहीं होगा तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म करते हैं, सो वन बाई सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वन बाई फोर, सो ये कट कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म करके देखो वन बाई फोर आएगा, तो इट इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, यस और नो? समझ में आया कैसे बोल रहा हूँ जीपी सीरीज है ये? हेलो, कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करना है। हाँ जीपी सीरीज है, समझ में आया ना? हाँ, सो फिर इसको हम लोग भी उसी फॉर्मूला के बेसिस पे लिख सकते हैं, सिंपली वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, आर की जगह कितना है इस बार वन बाई फोर है, सो दिस इज के क्यू, ये वन माइनस सॉरी फोर माइनस वन बाई फोर, सो दिस विल बी इक्वल टू फोर बाई थ्री के क्यू। ठीक है ना? अच्छा देखो, जब भी हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता था, तो इसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बोलने से चलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वेक्टर क्वांटिटी का आप मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होना चाहिए? नेगेटिव एक्सिस। यस, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज का कॉम्युलेटिव सम राइट साइड में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ होगा। एग्जैक्टली, सो हमारा यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा, ये आप निकाल रहे हो, इसके साथ साथ लिखोगे डायरेक्शन और डायरेक्टेड along negative x axis। clear हुआ first case,
फर्स्ट केस में हमारा क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज थे। सेकंड केस में क्या बनाओगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव लेना दूसरा नेगेटिव लेना, लाइक दिस। डू इट फास्ट, करो जरा। लाइक दिस, सो ये वन होगा, ये टू होगा, ये फोर होगा, ये एट होगा, एंड सो ऑन। इस बार बस डिफरेंस क्या हो जा रहा है हमारा, इस बार डिफरेंस हो जा रहा है, ये हमें लिखेंगे के क्यू, और ये वन प्लस वन बाई टू, सॉरी माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई एट प्लस अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। यहां मुझे बताओ ये कौन सा सीरीज है और इसमें आर का वैल्यू कितना होगा? ये भी जीपी सीरीज, इनफिनिट जीपी सीरीज का फॉर्मूला वही 1/1 माइनस आर, आर का वैल्यू होगा 1 माइनस होगा, आर इज इक्वल टू कितना होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सो माइनस हाफ आ जाए, इंस्टेंट ऑफ हाफ इट इज माइनस हाफ। ओके, बस इतना सा याद रखना है। So 1/1 माइनस आर, इसके जगह माइनस हाफ हो जाए। 2/3 के क्यू, हाँ यस 2/3 राइट, 2/3 के क्यू। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बताओ, सब 4/5 के क्यू माइनस 4/5 के क्यू प्लस होगा ना, ये भी जीपी सीरीज है जिसमें आर का वैल्यू हो जाएगा 1/-1/4 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस इज -1/4, सो E इज इक्वल टू के क्यू 1-1/4, so this will be equal to your 4/5 kg। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नाउ दिस इज बिग क्वेश्चन, डायरेक्शन किधर होगा, कैसे समझेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिर पॉजिटिव है, ये फिर नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से बहुत दूर है, अगर मैं यहाँ पर फील्ड निकाल रहा हूँ, ये फील्ड जो हो रहा है मैक्सिमम किसके वजह से हो रहा है, जो चार्ज इसके क्लोज होगा उसके वजह से उसका मैक्सिमम इफेक्ट आता होगा ना यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअली सोचो, है ना, इस पोजिशन पे जो फील्ड हो रहा है वो इसके वजह से मैक्सिमम हो रहा है, फिर इसके वजह से होगा सेकंड वाले के वजह से, फिर थर्ड वाले के वजह से, तो मैक्सिमम इफेक्ट इस पर प्लस चार्ज का हो रहा है, प्लस चार्ज से फील्ड हम लोग का क्या निकलता है, इधर किधर बाहर निकलता है, इधर तो एब्जॉर्ब हो जा रहा था, सो इफेक्टिवली मेरा किधर जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, अलोंग सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये समझ में आया कि नहीं सर? सर सेकंड क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव क्यू लेंगे या नेगेटिव, तो अगर कोई फर्स्ट पोजीशन में नेगेटिव क्यू ले लिया तो कुछ प्रॉब्लम होता? हाँ, अगर नेगेटिव ले लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो तुमको पहला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखा हुआ, देखो इसीलिए पहला वाला पॉजिटिव लिए है, दूसरा वाला नेगेटिव लिया। ऑल्टरनेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोलता तो पहले नेगेटिव लेते फिर पॉजिटिव लेते, लेकिन यहां पर बोला है ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो हम लोग इसको पहले पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। yes. चलो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये भी जेई का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट, वेट अ मिनट, या इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड पासिंग, राइट डाउन, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड पास्ड थ्रू अ डिफरेंस ऑफ पास थ्रू अ नॉट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ओके पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 किलो वोल्ट are found to acquire velocity of 1.46 into 10 to the power 10 centimeter per second. Calculate the ratio of charge to the mass of electron. एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन को एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस से भेजा जा रहा है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन को अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में भेजा जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, हाई वेलोसिटी आ जाएगा. वो हाई वेलोसिटी गिवन है, वो हाई पोटेंशियल गिवन है. हमसे पूछ रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो कितना होगा उस इलेक्ट्रॉन में. इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनी आइडिया? सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रहता था तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई इंटू वी, है ना, ईवी बोलते हैं हम लोग, ये यूनिट भी होता है, वेयर ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं और V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करो और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. डू इट. इसको करने से पहले वेलोसिटी जो है वो CGS यूनिट में है, उसे SI में कर लो. सेंटीमीटर पर सेकेंड को यूनिट हम लोग जब भी करेंगे सबको SI में रख के करेंगे. तो इसको बहुत सिंपल है, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना, कितना हो जाएगा, 10^8 हो जाएगा ना, क्लियर, डिवाइडेड बाई 100 हो गया. ये हमारा काम हो गया. और दूसरा चीज है पोटेंशियल जो है ये वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट कर लेते हैं चलो और कैपिटल वी से पोटेंशियल. और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये है 60 kV, मतलब 60 × 10³ वोल्ट. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी एंड सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. इंस्टेड ऑफ मास का कोई वैल्यू मत बैठाओ क्योंकि उसका रेशियो निकालना है. अपने से चार्ज और मास तुम्हें पता था बट हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे यहां वैल्यू. अब हमें निकालना है चार्ज टू मास रेशियो, मतलब E/m. सो E/m को सेपरेट कर लो और यहीं से हम लोग कर सकते थे E/m सेपरेट. E/m इज इक्वल टू हो जाता हमारा E is equal to E by M is equal to
हाफ वी स्क्वायर बाई कितना हो जा रहा था, हाफ वी स्क्वायर बाई एम बाई पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहां से e बाई एम निकाल लो, सो दिस विल बी हाफ इंटू 1.46 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर बाई 60 इंटू 10, सो वट एवर इट कम दैट विल बी योर आंसर। एंड आई वॉन्ट टू नो वट इज द यूनिट ऑफ दिस e by m, इसका यूनिट क्या लिख रहे हो तुम लोग, जरा मुझे कैलकुलेटर यूज करके बताओ फॉर द टाइम बीइंग। ना आ रहा है 1.776 इंटू 10 टू द पावर 11, जरा कैलकुलेट करना ना है कि नहीं। वन पॉइंट सेवन सेवन सिक्स इंटू 10 टू द पावर 11, yes, unit is very very important, numerical mein unit hi important hota hai, unit ke liye simple sa baat hai na, meter per second ka square hua hai upar aur niche volt se divide hua hai, to yahi likhenge na hum log, meter per second ka square hua tha aur niche volt tha, ye ho jayega iska unit kya hai, meter square per सेकेंड स्क्वायर पर वोल्ट, या एग्जैक्टली। और इसी को हम लोग देखो ये यूनिट किसके साथ मैच कर रहा है, चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए मेरा, ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए, और मास का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, केजी होना चाहिए, सो वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस यूनिट एज अ कूलम पर केजी ऑल्सो, so you can write this as well as coulomb per kg, tumhe pata chala ki ye unit aur ye unit actually physically ek hi answer aana chahiye hamara, is it okay? Yes sir, thoda sa hum log introduction of numerical dekh rahe hain, tum log numerical mujhe karke kya bheje ho main dekha hu, chalo ek aur sums karte hain hum log yahan se, लिखो बोल रहा है टू पॉइंट चार्ज फोर्टी नाइन ESU एंड प्लस 81 ESU आर प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट इन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड what is the potential at the neutral point and also calculate what is the potential at the neutral point,
Now before starting this numerical, please note down that here all the units are given in CGS units. So CGS unit में मैंने तुम लोगों को numerical conversion भी बता दिया था, क्या क्या SI unit होते हैं, क्या क्या CGS unit होते हैं, formula कैसे change हो जाता है CGS और SI में, तुम्हें सब कुछ पता है, just इसे करना है. स्वयं बता पाओगे मुझे इस न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? What do you mean by that? सर जहाँ पर जहाँ पर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इज इट सो? अनंत सही आंसर. यस, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे और वहां पर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो देखो दो चार्ज है, एक यहां है पॉजिटिव, एक इधर है नेगेटिव. पॉजिटिव ये है 49 ESU, ये है 81 ESU. तो यहां से भी चार्जेस निकल रहे होंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सॉरी, यहां से भी निकल रहे होंगे लाइक दिस. है ना, ये हमने देखा था. सो यहां पर कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा. सो हमें क्या करना है, हमें एज्यूम कर लेना है, लेट कर लो कि ये न्यूट्रल पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस पे है और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर है. सो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला 100 माइनस एक सेंटीमीटर हो जाएगा, यस और नो? तो न्यूट्रल पॉइंट पे अगर मैं कोई किसी टेस्ट चार्ज को बिठा दूं तो वो टेस्ट चार्ज इधर से जितना अट्रैक्ट होगा, इधर से जितना अट्रैक्ट होगा, इधर से भी उतना ही अट्रैक्ट होगा, यस और नो? और हम लोग बोल सकते हैं इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ होगा इसके वजह से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो दे आर कैंसिल आउट इच अदर, एग्री? तो मैं बोल सकता हूँ एट न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ बोल. डिस्कनेक्ट हो गया था मैं. तो ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? हेलो, यस सर. सो अब क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. तो मैं बोल सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E2 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, है ना? और याद है फील्ड में फॉर्मूला K नहीं होता है. जब हम लोग SI यूनिट में काम करते हैं तो K के जगह कितना लेते हैं, हम लोग 1 लेते हैं. और जब SI यूनिट में काम करते हैं तो K के जगह 1/4πε0 लेते हैं. ये चीजें याद रखना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं. E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इन SI यूनिट, सॉरी इन CGS यूनिट. एंड E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इन SI यूनिट. ये फॉर्मूला होता है. जस्ट सब्स्टिट्यूट आपको करना है क्यू बाई आर स्क्वायर, नथिंग एल्स. Q का वैल्यू है 49 और R का वैल्यू है x स्क्वायर. सेकेंड यहां पर Q का वैल्यू है 81 ESU एंड R का वैल्यू है 100 माइनस x स्क्वायर. जस्ट सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फास्ट.
सर यहाँ जो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग उसे 1 ले लें, 1 मीटर। बिल्कुल, तुम्हें अगर करना है इसको एसआई में करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, फिर इस ईएसयू को एसआई में कन्वर्ट कर लो, 81 को एसआई में कन्वर्ट कर लो, फिर करो। बट सीजीएस में ज्यादा इजी हो जाता है, कर सकते हैं वैसे भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ले लोगे तो सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। सो दिस विल बी 700 - 7x इज इक्वल टू 9x, सो x विल बी इक्वल टू 700/16 और इट विल कम एज 43.75 सेंटीमीटर्स। और ये 43.75 सेंटीमीटर कहाँ से मापा है हमने, इधर से है ना, फ्रॉम 49 ESU। सो दिस इज 70 दिस मच सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 49 ESU चार्ज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया, न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट इन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पार्ट क्या है, वॉट इज द पोटेंशियल एट दैट न्यूट्रल पॉइंट, डू इट। वॉट इज द पोटेंशियल एट दैट न्यूट्रल पॉइंट, स्वयं बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। हेलो, यस, रिपीट रिपीट, हेलो, यहाँ पर अगर एक पॉइंट पी है, मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0 द चार्ज डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला। सो क्या है, यहाँ पर दो चार्ज है, एक इधर है एक इधर है, एक 49 ESU है एक 81 ESU। व्हाट इज द प्रॉब्लम, जितने सारे होंगे सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, यही फॉर्मूला होता है ना। हाँ सर, ये SI यूनिट में हो जाता है, CGS यूनिट में और भी इजी हो जाता है, आपको इसको नहीं लिखना है, इसके जगह आप कितना पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे इन SI यूनिट, सॉरी इन CGS यूनिट। सो दिस विल बी मोर इजी, तो सिंपली हो जाएगा 49/R1 या x था हमारा डिस्टेंस, और ये हो जाएगा 81/100 - x। दिस इज 49, x का वैल्यू कितना है हमारा, 43.75 आया था ना, और इसको 100 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 56.25। सो ये सॉल्व कर लो, ये जो भी आएगा वो आंसर होगा, प्लीज चेक आउट, दिस विल 2.56 ESU। Clear or not? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. So, ये तो numerical हो गया, मैं एक और link भेज रहा हूँ within a minute, and then हम लोग capacitance आज start करेंगे. Okay? Any doubt on previous topics? No, sir.